गिल्टी हूँ। गिल्टी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शर्मिंदा अपनी मां के सामने। तुम बहू कर सकती हो, मैं बेटा हूं, मैं नहीं कर सकता। मैं अभी उनसे जाके माफी मांग लेती हूं। तुमसे खफा नहीं है वो, मुझसे खफा है। तो माफी भी वही मांगी जिसने दिल दुखाया। माँ साहब जाग रही? जी खान। बताइए मैं आया। जी वो माँ बेगम ने मना किया है। उनसे कहिए मैं आया हूँ, जाइए। माफी खान, लेकिन उन्होंने खास तौर पे आपके लिए मना किया है। हाजरा, ये सब कपड़े उठा के किसी गरीबों में बांट दो या अपने घर ले जाओ या कहीं फेंक दो जाके। रहने दें, आप जाइए। माफ करते मां साहब, मीरब ने झूठ बोला और तुमने उसका साथ दिया। जी ये सच है, हमने झूठ बोला, ये सच है। लेकिन मीरब की नीयत आपको तकलीफ पहुंचाने की नहीं थी। उसने सिर्फ झूठ बोला मगर तुमने मेरा मजाक उड़ाया है। मां साहब मेरी इतनी जरूरत, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी गलती सिर्फ यह है कि मैं चुप रहा। क्या घोल कर पिलाया तुम्हें मीरब ने? तुम्हारे बाप ने और मैंने तो तुम्हें कभी धोखा देना नहीं सिखाया, न झूठ बोलना सिखाया। जी मां साहब, बाबा साहब ने आपने हमेशा यही कहा कि सच का साथ दो, लेकिन आप लोगों ने यह भी तो सिखाया कि रिश्तों को जोड़े रखना है हमेशा। ऐसे कच्चे रिश्तों को जोड़ना जिनके साथ शर्तें लगी हो। मैं तुम्हें इजाजत देती हूं, अगर मीरब तुम्हें शौहर का दर्जा नहीं देती तो छोड़ दो उसे। नहीं मां साहब, चाह के भी नहीं छोड़ सकता उसको। वो एक शर्त तो क्या, 100 शर्तें और भी लगा दे तब भी नहीं छोड़ सकता। इतनी मोहब्बत करते उससे? यकीन करें, जानबूझकर नहीं की, खुद ब खुद होती चली गई और मैं खुद को रोक नहीं पाया। जानती है क्या उसे कदर है तुम्हारी मोहब्बत की? हो जाएगी उसे कदर, उसे पता चलेगा जब उसे एहसास होगा।
लेकिन मां साहब, इस खानदान का मान अगर मेरे सर पे है तो वो सिर्फ आपकी बदौलत है, और जब आप मुझसे नाराज होती हैं तो बिखर जाता हूं। प्लीज मुझसे नाराज मत हो।